देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2023 का शुभारंभ हो गया है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने अत्याधुनिक चेक पोस्ट का उद्घाटन करके चार धाम यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने अत्याधुनिक चेक पोस्ट का उद्घाटन कर चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सौगात दी। इसी बीच उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर उनकी सुखद यात्रा की कामना भी की। साथ ही परिवहन मंत्री ने बताया कि आज से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं, जिसके चलते चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही ग्रीन कार्ड भी जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी यात्री को परेशान नहीं होना पड़ेगा और उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने व्यवस्था बनाने को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसके लिए हमारा परिवहन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। चूँकि आज यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा कल ऋषिकेश से प्रारंभ हो गई है, मुझे लगता है कि इस बार की परिवहन विभाग की जो तैयारियां हैं उसी के निमित्त यह हाईटेक चौकी का आज कोठाल गेट पर विधिवत लोकार्पण किया है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और यात्रियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हमारा मानना है कि हम कम से कम यमुनोत्री गंगोत्री धाम के जो ये रूट हैं इन पर लगभग 5 चौकियाँ हम बना रहे हैं, 3 हमारी बन गई हैं, 2 और बन रही हैं। हम इस बार यात्रियों को विशेष सुविधा दे रहे हैं ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाएँ, ग्रीन कार्ड बन जाएँ और जो भी यात्री उत्तराखंड में आए वो बिना दर्शन के न जाए, ऐसा प्रबंध परिवहन विभाग ने इस बार कर रखा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।